सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर और दोनों बेटे तैमूर और जेह के साथ हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं। वहीं करीना से पहले सैफ ने अमृता सिंह से लव मैरिज किया था, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए। सैफ और अमृता को लेकर तो आपने कई सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको इस एक्स कपल से जुड़ा एक मजेदार वाक्य सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बार सैफ और अमृता ने अपने एक शादीशुदा दोस्त के साथ ऐसा प्रैंक किया था कि उसके चलते अमृता पर गोली चल जाती। जी हाँ, गोली चल जाती। इस बात का खुलासा खुद कपल की बेटी सारा अली खान ने किया। सारा ने बताया था कि एक दिन मेरे अब्बा और अम्मी ने अपने दोस्त नीलू मर्चेंट और उनके हस्बैंड के साथ एक प्रैंक किया। उन दोनों ने भूत बनकर डराने का प्लान बनाया था। उन्होंने अपने चेहरे पर बूट पॉलिश लगाकर अपना पूरा चेहरा काला कर लिया। इसके बाद वे दोनों कपल को डराने के लिए उनके बेडरूम के अंदर जा रही थी कि अब्बा ने अम्मी को धक्का देकर बाहर से गेट बंद कर दिया। सारा आगे बताती हैं कि अम्मी की दोस्त उन्हें देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस आनंद फानन में उनके पति उठे और तुरंत अमृता को मारने के लिए बंदूक उठा लिए। वो गोली चलाने ही वाले थे कि अम्मी ने चिल्ला कर कहा, रुको, गोली मत मारना, मैं डिंगी हूँ। तब जाकर उन्होंने अपनी बंदूक नीचे रखी।